यस चलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. लेट अस कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ब्रीफली रिवाइज व्हाट एवर वी हैव डन लास्ट टाइम इन लास्ट लेक्चर. यस आई लाइक टू शेयर द स्क्रीन. आई होप यू कैन सी दैट. Yes. See here. So first of all, you can see this is the electromagnetic spectrum which we already seen last time, which consists of the number of waves whose wavelength is different and frequency is also different. If we arrange them in the increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequencies, then that arrangement itself is actually called as the electromagnetic spectrum. And this electromagnetic spectrum consists of the number of different type of waves like radio waves, microwaves, infrared rays, then visible light, ultraviolet rays, x-rays and gamma rays and like this. So all these are the, even isme dekha jata ki visible light consists of 7 colors, okay, which are having slight different wavelengths like this. And okay abhi ye to chalo theek hai, ye humko already pata hai कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है तो वो इस तरह से साइनोसोइडल वेरिएशंस उसके अंदर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के हुआ करते हैं. ठीक है, और ये भी हमने डायग्राम ऑलरेडी क्लियर कट देखा था लास्ट टाइम कि किस तरह से वेवलेंथ जैसे कम 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 होता जाता है तो वैसे वैसे एक वेव से दूसरे वेव के अंदर हम चेंज होते जाते हैं, मतलब उसको नाम बदलता जाता है उसका. ठीक है तो वे सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन उनके नाम जो है वो उनके यूजेस या उनके एप्लीकेशंस के बेसिस पे वहाँ पे दिए हुए हैं. जैसे कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स है या बहुत ज्यादा वेवलेंथ के जो वेव्स है तो उनको हम नॉर्मली रेडियो वेव्स बोलते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के अंदर यूज किए जाते हैं. जैसे जो प्रोग्राम्स, रेडियो के प्रोग्राम्स या टेलीविजन के जो प्रोग्राम्स है वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए वो सारे यूज किए जाते हैं. अगेन द माइक्रोवेव्स आर ऑल्सो यूज इन just like long distance communication in also and also in the in case of the microwave oven. Then the third is infrared rays, which are heat rays actually. They are also used in to produce the heat. And light to humko pata already, okay, light already it is produced and it is used in many ways because we can just see the objects because of light. And then it is a x-rays or ultraviolet rays actually. So ultraviolet rays are also produced in the building, or x-rays are produced in the x-ray machine. Okay, so x-ray machine ke andar wo produce kiye jate hai. Or gamma rays are produced due to the radioactive nucleus. Okay, so apart from this, we'll just now study one by one each of these. So first of all, we can just study these radio waves. So radio waves are the waves with lowest frequency. ठीक है, इनका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है. अभी कम मतलब इतना भी कम नहीं, वो एक्चुअली मेगा हर्ट्ज में होता है. क्योंकि अगर हम देखेंगे इनका फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तो बहुत ब्रॉड है. तो इसलिए यहाँ पे रेडियो वेव्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो मेगा मेगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज के अंदर हुआ करता है. तो फिर भी उनको हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन या डीटीएच या टेलीविजन के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करने के लिए वायरलेस जो कम्युनिकेशन होता है, या इवन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन या मोबाइल एंटीनाज और इवन शिप्स के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, तो ये सारा जो चीजें है वो यहाँ पे हम 3 kHz से लेके 300 kHz तक, GHz तक के वेव्स जो है तो वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं. इनका फ्रिक्वेंसी रेंज जो इतना ब्रॉड है, जो 3 kHz से स्टार्ट होके ऑलमोस्ट 300 GHz तक जाता है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियो वेव्स. सो रेडियो वेव्स जो है तो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स. ऑब्वियसली ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सेम वे, दैट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जब ऑसिलेट होते हैं तब वो प्रोड्यूस होते हैं. सो दिस रेडियो वेव्स स्पेशली आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, तो ये बात याद रखो ठीक से. ये तो सभी जनरल प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के. यस, सो रेडियो वेव्स के और ज्यादा अगर यूजेस हम देखेंगे ठीक से तो इनके वेवलेंथ ज्यादा है, और टीवी ब्रॉडकास्टिंग जो अभी बताया
or even amplitude modulated or frequency modulated broadcast in radio stations and heart rate monitors, cell phone communication, ये सारा जो है ये इनके uses है. Even MRI के अंदर भी radio waves बहुत effectively use किए जाते हैं. Yes, then next comes to microwaves. We can see microwaves are the waves with whose wavelengths are from 1 millimeter to 1 meter almost. मतलब 10^-3 meter से 1 meter तक इनका wavelength range होता है microwaves का. और ये waves का properties ही ऐसे है जो वो heat पैदा करते हैं किसी भी substance के ऊपर जिस पे वो incident होंगे तो उसके अंदर वो heat पैदा करेंगे और इसीलिए इनको microwave oven के अंदर use किया जाता है. But the larger wavelengths, still larger wavelengths are also used in the Bluetooth headsets. ठीक है ना, तो जो Bluetooth headsets होते हैं तो उसके अंदर भी microwaves use किए जाते हैं. Again, broadband wireless internet connection जो है तो उसके लिए भी हम microwaves use करते हैं. So most probably जो है long distance communication जो है वो यहाँ पे microwaves use करके किया जाता है. और even radar system जो है, ठीक है, radio detection and ranging equipments, तो ये डिफेंस सिस्टम है एक्चुअली. तो उसके अंदर ऐसा होता है कि जो कुछ ऐसे एंटीनास होते हैं तो वो एंटीनास क्या करते हैं, चारों तरफ वेव्स जो है वो माइक्रोवेव्स के रेंज के वेवलेंथ के जो रेंज वेव्स है वो चारों तरफ ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं. और अगर कोई भी प्लेन, एरोप्लेन या कोई भी हेलीकॉप्टर और कोई भी ऑब्जेक्ट, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जो अगर सपोज डिजास्ट्रस पर्पज से अगर घूम रहा है ऐसा अगर पता चलता है तो उसको उड़ा देने की जो कैपेसिटी है वो भी उसके अंदर ऑलरेडी होती है. तो ये हम समझ सकते हैं आराम से कि दिस इज अ डिफेंस सिस्टम विच इज एक्टिव 24/7 hours इन एवरी कंट्री. हर एक कंट्री का अपना डिफेंस सिस्टम जो होता है उसके अंदर ये माइक्रोवेव्स यूज करके चारों तरफ ये माइक्रोवेव्स फैलाए जाते हैं. और अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो अगर किसी डिजास्ट्रस पर्पज से घूम रहा है ये डिटेक्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है. सो दिस इज दीज आर द यूजेस ऑफ द माइक्रोवेव्स एक्चुअली. एंड इवन ऑब्वियसली जीपीएस जो होता है, जीपीएस ट्रैकिंग जो गूगल के अंदर यूज किया जाता है तो वो उसके अंदर भी ऑब्वियसली माइक्रोवेव्स यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट वी विल कम टू इंफ्रारेड रेडिएशंस. तो अभी इंफ्रारेड रेडिएशंस के अंदर हम देखते हैं कि इनका जो वेवलेंथ है वो माइक्रोवेव्स से भी कम होता है. ठीक है, उससे भी कम होता है. और ये माइक्रो इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है तो वो एक्चुअली नाइट विजन गॉगल्स के अंदर यूज किए जाते हैं. जैसे कल भी मैंने बताया था ना कि नाइट विजन कैमरेज जो होते हैं, आईआर कैमरेज उसको बोलते हैं, तो वो आईआर कैमरेज जो है वो इंफ्रारेड रेज यूज करके ही फोटोग्राफी कर सकते हैं या वीडियो शूटिंग, नाइट में वीडियो शूटिंग कर सकते हैं. तो और इवन हमारे रिमोट कंट्रोल जो होते हैं, टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल या VCR या कोई भी चीज का जो रिमोट कंट्रोल जो होता है, ठीक है, तो वो रिमोट कंट्रोल या AC या अलग अलग जो चीजें होती है उनके रिमोट कंट्रोल्स के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज किए जाते हैं. एंड इवन इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है दे कैन पेनेट्रेट थ्रू इजिली थ्रू द फॉग एंड मिस्ट. जैसा कल भी बताया था कि जो फॉग होता है, मतलब जहाँ पे जैसे वहाँ जहाँ पे बहुत मिस्ट छाया हुआ रहता है, बहुत फॉग रहता है, जैसे ऊपर के इलाके में अगर हम जाते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट में या बहुत ऊपर ऊपर अगर जाते हैं तो कभी कभी वहां पे बहुत धूप छाया हुआ रहता है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉग बोल सकते हैं. तो वो फॉग जो है तो उसके अंदर हम अगर कार अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमको 20 फुट पे रहने वाला व्यक्ति भी हमको नहीं दिखाई देता. तो अगर ऐसे में एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं तो उसकी वजह से हमको वहाँ पे नाइट विजन गॉगल्स जो है ये फॉग में से जो देखने के लिए जो गॉगल्स स्पेशली गॉगल्स मिलते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज करके ही बने हुए होते हैं. तो इसलिए वो इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज करते हैं, इसलिए हम दूर दूर तक का देख सकते हैं इवन इफ देर इज अ फॉग. नॉर्मल आंखों से हम नजदीक का भी नहीं देख सकते, लेकिन ये जो गॉगल्स होते हैं स्पेशली गॉगल्स, स्पेशली क्रिएटेड गॉगल्स जो होते हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज करते हैं, तो वैसे गॉगल्स पहन के हम फॉग में भी दूर दूर तक देख सकते हैं आराम से. सो दिस इज और इवन जो दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर के जो फोटोग्राफ्स होते हैं तो वो यूज करने के, मतलब वो डिटेक्ट करने के लिए या वो निकालने के लिए ये इंफ्रारेड रेडिएशंस के यूज होता है. मतलब जो कैमरेज यूज किए जाते हैं दूर दूर तक का लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी उसको बोलते हैं. बहुत दूर के फोटोग्राफ्स अगर हमको निकालने हैं
एवन जैसे किसी समंदर के बहुत दूर तक का अगर हमको देखना है तो उस किनारा जो है हमको सपोज दिखाई नहीं दे रहा है नॉर्मल आंखों से या नॉर्मल कैमरा से भी वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में इंफ्रारेड रेज जो है वो यूज किए जाते हैं, तो उसको यूज करके हम बहुत दूर तक के फोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं आराम से। और इवन रिमोट सेंसिंग जो होता है इसके अंदर भी ये इंफ्रारेड रेज यूज किए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है, अब ये रिमोट का तो हो गया वो तो अलग बात है, लेकिन रिमोट सेंसिंग इज डिफरेंट थिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब है जैसे दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर से जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, मतलब तो दूसरे प्लैनेट्स जो होते हैं तो वहां से, या जैसे मार्स है हमारे आसपास, जैसे मर्क्यूरी या जो अलग अलग प्लैनेट्स है हमारे अर्थ के करीब, तो उन वहाँ के जो लैंड के फोटोग्राफ्स लेना या वहाँ के जो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, इसको रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। तो उसके अंदर ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो बहुत मदद करते हैं। और इवन वेदर फोरकास्टिंग के अंदर भी ये इंफ्रारेड रेडिएशन बहुत यूज होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग मतलब क्या कि जैसे हम देखते हैं ना कि 2 दिन के बाद सपोज बहुत जोरदार बारिश होने वाला है, ऐसा टीवी में अनाउंस किया जाता है और सचमुच ऐसा होता भी है, एक पता कैसे चलता है इनको? जो वेदर फोरकास्टिंग जो डिपार्टमेंट है उसको मीटरोलॉजी बोला जाता है। तो ये मीटरोलॉजी के अंदर ये पूरा स्टडी चलता रहता है, और वो स्टडी करते हैं जो सैटेलाइट के द्वारा जो भेजे हुए जो फोटोग्राफ्स होते हैं अर्थ के फोटोग्राफ्स। सैटेलाइट क्या करता है, अर्थ के जो सरफेस है उसको कंटिन्यूसली स्कैन करता रहता है, और वो स्कैनिंग में इंफ्रारेड रेज यूज किए जाते हैं, और वो जो फोटोग्राफ्स है तो वो फोटोग्राफ्स एनालाइज करके उसके अंदर के जो चेंजेस है वो चेंजेस ट्रैक करके हमको ये पता चलता है कि कभी मॉनसून आने वाला है या कभी कौन सा कोई खतरनाक अगर कुछ बहुत थंडर स्टॉर्म आने वाला है, या समंदर के अंदर भी कभी कभी थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, तो उसके लिए भी जो जिनका रोजी रोटी समंदर के अंदर होता है उनको भी पहले से इशारा दिया जाता है कि ये टाइम पे समंदर के अंदर जाना ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पे थंडर स्टॉर्म आने वाले हैं वगैरह। वो सब चीजें जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के अंदर ये पूरा आता है। उसके अंदर भी ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो बहुत हमको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं विजिबल लाइट के ऊपर, वो तो अभी इसके यूजेस तो अनगिनत है क्योंकि हम देख नहीं सकते थे अगर ये इंफ्रारेड विजिबल लाइट अगर नहीं होता तो। लेकिन ये भी जैसे कल बताया था कि लाइट जो है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, नो डाउट, लेकिन उसमें और बाकी सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ये फर्क है कि लाइट जो है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे रेटिना के ऊपर इफेक्ट अफेक्ट करते हैं, इसलिए हमको चीजें दिखती है लाइट की वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट रेज। तो अभी अल्ट्रावायलेट रेज के अंदर जो है इनका जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ उसको बोल सकते हैं, लाइट से भी छोटा होता है, इनका फ्रीक्वेंसी और ही ज्यादा होता है, जो हम डायग्राम में भी देख सकते हैं आराम से कि ऑलमोस्ट 0.3 माइक्रोमीटर से 3 नैनोमीटर तक या 30 नैनोमीटर तक का उनका वेवलेंथ हुआ करता है। और इनके अगर हम देखेंगे यूजेस क्या क्या है तो देखा जाता है कि सबसे पहली बात कि ब्लैक लाइट्स जो होते हैं तो जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो बैट्स वगैरह के नहीं सॉरी सिक्योरिटी इमेजेस एंड ऑन मनी के ऊपर इसके अंदर यूज होता है, मतलब सिक्योरिटी के लिए बहुत इनका यूज होता है। क्योंकि देखो ऐसे बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज जो है तो उनके कई तरह के लेजर बीम्स बनते हैं, वो लेजर बीम जो है वो सामने वाले समझो समझो सामने एक तिजोरी है, ठीक है, तिजोरी, तो तिजोरी के जो बीस एक छोटा एक फोटोसेल होता है उस फोटोसेल के ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो कंटिन्यूअसली गिरते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कोई थीफ या कोई बर्गलर या कोई भी चोर जो है वो अगर चोरी करने के इरादे से अगर वहाँ पे उस रूम के अंदर अगर आता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वो उसको सेफ खोलने के लिए, मतलब तिजोरी खोलने के लिए उसको जो अल्ट्रावायलेट रेज का जो फोकस है या बीम है उस बीम को उसको ये कट करना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है। और जैसे ही वो इंफ्रारेड रेज का सॉरी अल्ट्रावायलेट रेज का बीम ब्लॉक करता है तो तुरंत उस फोटोसेल के ऊपर जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज पड़ना बंद हो जाता है तो तुरंत वो एक दूसरा सर्किट एक्टिवेट करता है जो कि एक अलार्म के साथ कनेक्टेड होता है, अलार्म। सो दैट मीन्स अलार्म जस्ट प्लेस द साउंड एज सुन एज एनीवन एंटर्स द रूम अराउंड द सेफ। तो जैसे ही इस किसी सेफ या किसी तिजोरी के आसपास कोई भी पर्सन कोई भी चोर अगर आता है चोरी करने के इरादे से तो उस केस में वो अलार्म बजने लगता है।
और ये इसके अंदर जो इसको बर्गलर अलार्म बोलते हैं, बर्गलर अलार्म्स। तो ये बर्गलर अलार्म्स जो है तो वो एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेज के भी बेसिस पे ही काम करते हैं, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी कल भी बताया था कि हम दे आर हार्मफुल फॉर द लिविंग थिंग्स बिकॉज दे कैन क्रिएट स्किन कैंसर इफ इफ इट इज एक्सपोज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड इवन दे कैन कॉज अ सन बर्न, एंड ऑल्सो एंड दैट्स वाई दे आर यूज टू किल द बैक्टीरियाज ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन ऑफ एनी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट। कोई भी जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसको स्टरलाइज करने के लिए उसको एक अल्ट्रावायलेट रेज के फोकस में रखा जाता है एक आधा घंटा या कुछ देर तक। तो उससे क्या होता है कि वो पूरी तरह से स्टरलाइज हो जाता है, उसके मतलब उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज या कोई भी बाकी जब जो वायरस वगैरह जो है तो वो उसमें से मर जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। इवन देर आर सम मोर यूजेस ऑल्सो। इवन तुमने देखा रहेगा कि केमिस्ट्री के अंदर कुछ रिएक्शंस के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज किए जाते हैं, देखा तुमने? जैसे तुमको तुमने देखा होगा कि मीथेन के ऊपर जब क्लोरीन रिएक्ट होता है तो उसमें जो उसके लिए सनलाइट जो है वो जरूरी होता है। एक्चुअली सनलाइट नहीं बल्कि एक्चुअली अल्ट्रावायलेट लाइट ही उसके लिए जरूरी होता है। सो दिस अल्ट्रावायलेट रेज हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, एंड दैट्स वाई दे कैन पेनिट्रेट एंड दे कैन जस्ट ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो ये एटम्स के अंदर के जो बॉन्ड्स हैं, जैसे क्लोरीन गैस के ऊपर अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज अगर इंसिडेंट किए जाते हैं तो क्लोरीन गैस को वो आयनाइज कर देते हैं, मतलब उस क्लोरीन गैस के जो एटम्स है Cl2 जो होता है तो वो दो क्लोरीन एटम्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर जब वो अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट होते हैं तो इन दोनों क्लोरीन को वो अलग अलग कर देते हैं। तो ये जो काम है वो भी अल्ट्रावायलेट रेज करते हैं। तो इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज का जो एक तरह से यूज है कुछ केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करना, ये भी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि दिस दिस इज अ यूज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, नो डाउट। यस, देन अगेन यू कैन जस्ट सी द नेक्स्ट, दैट इज अबाउट द एक्स रेज हियर। सो एक्स रेज आर हैविंग वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ, यू कैन जस्ट सी इन द डायग्राम, 3 नैनोमीटर से लेके 0.03 नैनोमीटर तक का उनका वेवलेंथ हुआ करता है। और ये एक्स रेज जो है उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होता है और इवन पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक्स रेज जो है वो अलग अलग टाइप के बनते हैं। अभी जो हम मॉडरेट एक्स रेज जो यूज करते हैं तो वो एक्चुअली हमारे सेल्स को किल कर सकते हैं, तो लेकिन उनको सिक्योरिटी के लिए भी यूज किया जाता है। और इवन मेडिकल में जो बोन का जो फ्रैक्चर वगैरह डिटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर भी उसको यूज किया जाता है। तुमने देखा होगा कभी कि जहाँ पे एयरपोर्ट जहाँ पे सिक्योरिटी होता है तो जहाँ पे स्मगलिंग बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, नहीं तो कोई कोई क्या करते हैं कि अपने बॉडी के अंदर या बैग के अंदर कुछ ना कुछ सोना या हीरे जवाहरात वगैरह छिपा के लेके जाते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर लेके जाते हैं, इसको स्मगलिंग बोलते हैं। ये स्मगलिंग रोकने के लिए वहाँ पे बहुत टाइट सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसके अंदर हर एक का जो बैग है या हर एक इंसान को भी एक एक ऐसा एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम में से पास होने के लिए बोला जाता है। और वो फ्रेम जो है वो फ्रेम एक्चुअली एक्स रेज का ही फ्रेम होता है, उसके अंदर एक कंटिन्यूअसली एक्स रेज अंदर जाते रहते हैं, मीन्स इंसिडेंट हो रहे होते हैं। और अगर कोई भी पर्सन उसके अंदर अगर चला जाता है तो वो ऐसे स्पेशली डिजाइंड एक्स रेज होते हैं जो हाई पावर के एक्स रेज होते हैं जो एक्चुअली हमारे बोन्स में से भी ट्रैवल कर सकते हैं, बोन्स में से भी पास हो जाते हैं, बट वो कभी भी किसी मेटल के अंदर से या कोई भी जो हार्ड ऑब्जेक्ट है तो उसमें से वो पास नहीं हो सकते। तो अगर कोई इंसान अगर सपोज उस फ्रेम में से अगर जाता है, उस एक्स रेज के फोकस में से अगर जाता है और अगर उसके बॉडी में किधर भी अगर कुछ मेटल है, ठीक है, अभी उसके लिए जरूर कोई भी जो मेटल है वो पहले से बताया जाता है कि आप साइड में निकाल के रखो, ठीक है। अगर आपके जैसे वॉच है या आपका जो दांत वगैरह सोने का वगैरह है तो वो अगर सपोज जो भी है तो वो मतलब चलो ठीक है दांत तो निकाल नहीं सकते एक्चुअली, बट वो पहले से आपको बताना पड़ता है कि ये सब मेरे पास मेरे इसमें है बॉडी में है। तो वो अगर सपोज ऐसा अगर है या किसी के स्पेयर में भी रॉड होते हैं, स्टील के रॉड्स बिठाए हुए होते हैं, तो ऐसे केस में उनको तो उनके जो अलग अलग पार्ट्स जो है वो स्कैन किए जाते हैं सेपरेटली, ताकि उनके बॉडी बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर कोई मेटल नहीं होना चाहिए, मेटल नहीं है, ये पूरी तरह से कंफर्म होने के बाद ही उनको आगे दूसरे कंट्री में जाने के लिए अलाउ किया जाता है।
नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हीरे वगैरह जो है वो पेट के अंदर डाल देते हैं और वो दूसरे कंट्री के अंदर जाने के बाद ऑपरेशन करके वगैरह निकालते हैं। तो ये बहुत स्मगलिंग जो जो है वो रोकने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरेज जो है वो यूज किए जाते हैं वहां पे, ठीक है। और बाकी एक्सरे मशीन के अंदर डायग्नोस्टिक करने के लिए या डायग्नोसिस करने के लिए तो एक्सरेज यूज किए जाते हैं, वो तो ऑलरेडी तुमको पता ही है बिल्कुल। बट इवन दिस एक्सरेज आर ऑल्सो यूज टू फाइंड द क्रैक्स इन द मेटल्स, ठीक है ना। मेटल्स के अंदर के भी क्रैक्स जो है वो एक्सरेज ढूंढ के निकाल सकते हैं। और इवन एक्सरेज आर ऑल्सो यूज टू स्टडी द मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है वो भी स्टडी करने के लिए एक्सरेज यूज किए जाते हैं। सो ऑल द यूजेस ऑफ एक्सरेज। नाउ विल लेट अस कम टू द गामा रेज, विच आर हैविंग वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ, ऑलमोस्ट अबाउट 0.03 नैनोमीटर टू अबाउट 0.003 नैनोमीटर, मतलब वो ऑलमोस्ट 10^-12 के रेंज में आ गया। सो दीज आर वेरी हाई हाई पेनिट्रेटिंग पावर। इनका पेनिट्रेटिंग पावर इतना ज्यादा होता है, जैसे कल भी मैंने बताया था कि दे कैन पास थ्रू अ 4 मिलीमीटर थिक लीड शीट। तो ऑलमोस्ट उतने जो ज्यादा थिक लीड शीट के अंदर भी वो ज्यादा पास हो सकते हैं। तो इसीलिए पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होने की वजह से उनको वैसे इसमें यूज किया जाता है, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के सेल्स किल करने के लिए, या कोई ट्यूमर वगैरह है तो उनको किल करने के लिए, या इनको सर्जिकल नाइफ करके भी यूज किया जाता है, ठीक है। सर्जिकल नाइफ, ठीक है, वो ये जो है इस तरह से। और इवन कुछ जो फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल वगैरह है, तो एप्पल के अंदर भी कभी कभी क्या है ना कि कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, या कुछ सड़ने का जो प्रोसेस है वो पैदा हो जाता है। तो उसको भी रोकने के लिए, फ्रूट्स को ज्यादा समय तक मेंटेन करने के लिए भी गामा रेज यूज किए जाते हैं। और इवन उनके अंदर के भी जो छोटे छोटे अंदर के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो, या बैक्टीरिया या वायरस वगैरह होते हैं, तो वो किल करने के लिए भी यहाँ पे गामा रेज यूज किए जाते हैं। यस, ओके। सो ऑल दीज आर द यू कैन सी दीज आर ऑल द एक्चुअली यूजेस एंड मेन फैक्ट्स ऑफ द एक्सरेज, सॉरी अल्ट्रावायलेट रेज। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है तो वो एक्चुअली थोड़ा सा अलग है। ये यहाँ पे अभी तक जो भी हमने देखा है उससे थोड़ा अलग है। तो उसके अंदर हमको वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करना है। देखो ठीक से, हाउ द वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इन दिस सेक्शन नाउ। यस, अभी वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर जैसा कि हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप्स आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, दूसरा होता है स्काई वेव प्रोपगेशन, और तीसरा होता है स्पेस वेव प्रोपगेशन। तो ये तीनों के बारे में हमको डिटेल में अभी समझना है कि एग्जैक्टली व्हाट इज द वायरलेस कम्युनिकेशन एंड हाउ द ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्काई वेव प्रोपगेशन एंड स्पेस वेव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस। सो लेट अस सी इट इन डिटेल। बट अभी देखो यहाँ पे ये तीनों चीजें समझने के लिए पहले हमको अर्थ का जो एटमोस्फियर है उसको थोड़ा अच्छी तरह समझना जरूरी है, ठीक है। अर्थ के जो एटमोस्फियर के जो अलग अलग पार्ट्स है तो वो हमको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। देखो ठीक से, ओके, यस, लेट अस ड्रॉ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। ओके, सपोज दिस इज द अर्थ, ओके, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, एंड सपोज द रेडियस ऑफ अर्थ इज गोइंग टू बी कैपिटल आर, ओके, एंड सपोज दैट अभी यहाँ पे देखो जो अर्थ के आसपास जो है वो हम ये जानते हैं कि 0 से लेके 400 किलोमीटर्स तक
अर्थ का जो एटमोस्फियर है वो फैला हुआ है, ठीक है, तो याद रखिएगा ठीक से, द अर्थ एटमोस्फियर इज जस्ट स्प्रेड अबाउट अप टू द 400 किलोमीटर्स, रिमेंबर। सो लेट अस ड्रॉ द अर्थ वंस अगेन, सपोज दिस इज द अर्थ, ओके, नाउ लेट अस सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ एटमोस्फियर, जो फर्स्ट जो पार्ट है एटमोस्फियर का, तो वो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज कॉल्ड एज अ ट्रोपोस्फियर, रिमेंबर दिस इज द ट्रोपोस्फियर, यू कैन सी विच रेंजेस फ्रॉम 0 किलोमीटर टू ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर हियर, ठीक है, 0 से लेके 12 किलोमीटर तक ये जो पार्ट है अर्थ का, तो उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। देखो ठीक से यहाँ पे, yes, this is actually going to be the troposphere. Yes, then again, अभी यहाँ पे इसका range क्या है समझा ठीक से, the distance of this troposphere from the surface of Earth is just about almost about 12 kilometer from the surface of Earth. Okay, now let us see the second is the stratosphere, which is the second part of the atmosphere. Okay, that is called as a stratosphere. Yes, it ranges from zero, it ranges from 12 kilometers to up to 50 kilometers almost, okay, यहाँ पे वो 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक का जो पार्ट है, तो इसको हम बोल सकते हैं 50 किलोमीटर, okay, this is 50 किलोमीटर, तो मतलब 12 किलोमीटर जहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म होता है वहां पे स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट होता है और 50 किलोमीटर तक वो जाता है, ठीक है, सो ये 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये दूसरा पार्ट आता है एटमोस्फियर का, जिसको कि हम स्ट्रेटोस्फियर बोल सकते हैं, ठीक है, और इनके बारे में डिटेल में भी हमको देखना है ऑलरेडी, जो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट, ओके, सो द थर्ड स्फीयर इज कॉल्ड एज द मेसोस्फीयर, ओके, ये जो तीसरा स्फीयर है इसको हम बोल सकते हैं मेसोस्फीयर, ओके, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 50 किलोमीटर ऑब्वियसली एंड अप इट रेंजेस अप टू द 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट, ठीक है, सो 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं मेसोस्फीयर, ओके, एंड देन वी कैन जस्ट गो टू द नेक्स्ट लास्ट पार्ट विच इज द आयोनोस्फीयर, रिमेंबर एक्चुअली इट इज वेरी थिक थिक एक्चुअली, बट अभी यहाँ पे जगह इतनी नहीं है हमारे पास, वो डायग्राम थोड़ा सा एक्चुअली स्केल पे नहीं मिल रहा है, let us do one thing, yes, now let us now let we can just draw it up to the scale, okay, so this is the fourth sphere, we can just draw it here, this is actually the ionosphere, okay, isko hum bol sakte hai ionosphere, okay, it starts from the 80 kilometer and just ends up to the 400 kilometer, which is the last end point of the atmosphere, ओके, ये 400 किलोमीटर तक वो फैला हुआ है, यही लास्ट स्पीयर है, इसके ऊपर कोई स्पीयर नहीं है, ठीक है, तो अभी देखो इन चारों के बारे में अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे ना, तो चलो यहाँ पे तो अर्थ है, जस्ट डोंट फॉरगेट दैट हियर अर्थ विल बी हियर, यू कैन जस्ट ड्रॉ इट बाय ग्रीन कलर और ब्लू कलर बेटर,
Okay, this is the Earth. Yes. Okay. So अभी सरफेस से बिल्कुल सबसे करीब जो स्पीयर है, तो सबसे पहला जो स्पीयर है जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं ट्रोपोस्पियर, तो उसका खासियत क्या है? तो उसका सब डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, वेरी हाई डेंसिटी यू कैन से, सबसे ज्यादा डेंसिटी इसका यहाँ पे ही है. ऑलमोस्ट 80% ऑफ एयर जो है, मतलब पूरे एटमोस्फियर के अंदर जितना भी एयर है उसका 80% जो एयर है वो ऑलमोस्ट इस ट्रोपोस्पियर के अंदर ही है, क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है. और उसका भी रीजन यही है कि ग्रेविटी इज ग्रेविटी की वजह से, मतलब ग्रेविटी की वजह से ही यहाँ पे क्या होता है ना कि जो सबसे ज्यादा डेंसर पार्टिकल्स है तो वो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर के अंदर ही है. क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दिस ट्रोपोस्फियर ओनली. ये जो हम क्लाउड्स देखते हैं कि नहीं जिससे बरसात होती है, तो ये क्लाउड्स जो है वो 12 किलोमीटर के अंदर ही होते हैं, जिसको ही हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं. तो ट्रोपोस्फियर के अंदर ही सब क्लाउड फॉर्मेशन होता है. इवन डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो देयर इन दिस ट्रोपोस्फियर ओनली. ठीक है, इसके ऊपर अगर जाएंगे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर या मेसोस्फियर के अंदर या आयनोस्फियर के अंदर, देर आर नो डस्ट पार्टिकल्स एट ऑल. ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स ऊपर बिल्कुल भी नहीं है, बट यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल्स जो है दे आर जस्ट कंटेन्ड इन दिस ट्रोपोस्फियर ओनली. ठीक है, सो देखो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रोपोस्फियर के. सबसे पहली बात कि डेंसिटी ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज वेरी हाई. द सेकेंड थिंग इज दैट ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एयर इन द एटमोस्फियर इज कंटेन्ड इन ट्रोपोस्फियर ओनली. Okay, and the third thing is that the cloud formation takes place in the troposphere only, and dust is also there in the troposphere itself. So troposphere ke andar hi dust humko milta hai. Dust can be found out. Okay, then and the temperature of the troposphere is comparatively high because it is very close to the Earth surface. Okay, which is at a very high temperature. बट एज वी गो अवे फ्रॉम दिस ट्रोपोस्पियर, मीन्स जैसे हम 12 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहां से एक दूसरा रीजन चालू होता है. ठीक है, अभी यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक कोई बाउंड्री है और वो बाउंड्री जैसे कि वो बाउंड्री खत्म हो गया उसके बाद तुरंत ही स्ट्रेटोस्पियर चालू हो गया, नहीं ऐसा नहीं है. ठीक है, दिस ट्रोपोस्पियर एंड स्ट्रेटोस्पियर इन दोनों के बीच में ऐसा कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है कि हाँ यहाँ से ट्रोपोस्पियर चालू हो गया, इधर से इसके नीचे ट्रोपोस्पियर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्पियर है, ऐसा नहीं है. 12 किलोमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेट बाउंड्री है. द डेंसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग वेरी वेरी स्लोली, बट एक जो उनके प्रॉपर्टीज को अगर हम सामने रखते हैं तो यहाँ से आगे जो है वो टेम्परेचर कम होता जाता है. ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता जाता है और उसी की वजह से उसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं. द स्ट्रेटोस्फीयर इज हैविंग द लेस टेम्परेचर एंड लेस डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी यहाँ से यहाँ तक जो डेंसिटी होता है वो एज कम्पेयर टू यहाँ से यहाँ तक का जो डेंसिटी है उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है. एयर का जो डेंसिटी है वो उसमें बहुत ही कम होता है और उसी वजह से उसको दूसरा जो स्पीयर बोला जाता है जो कि स्ट्रेटोस्पियर के नाम से फेमस है. रिमेंबर द थर्ड वन, रिमेंबर देर आर नो डस्ट पार्टिकल्स नो क्लाउड्स इन दिस रीजन. ओके, स्ट्रेटोस्पियर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल्स हमको मिलेंगे ही नहीं, और इवन इससे भी आगे जाके डस्ट पार्टिकल्स का तो छोड़ो, क्लाउड्स भी नहीं मिलेंगे. ठीक है, पानी के जो क्लाउड्स होते हैं वो भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होते हैं. ठीक है, तीसरा चीज हम समझ सकते हैं यहाँ पे मेसोस्फीयर. ठीक है, जिसका टेम्परेचर एक्चुअली बढ़ता है स्ट्रेटोस्फीयर से ज्यादा होता है. ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे फिर से बढ़ने लगता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज एंड सन के जो अल्ट्रावायलेट रेज और गामा रेज और एक्स रेज जो सन में से इमिट होते हैं उसकी वजह से आने वाले जो हीट है, तो हीट की वजह से वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बना रहता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो कंपेरेटिवली कम रहता है. उसका रीजन ये है कि वहां पे ओजोन लेयर होता है. तो जो हमने कल बात की थी ना ओजोन लेयर के बारे में, सो दिस ओजोन लेयर इज एक्चुअली पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर हियर एक्चुअली. सो इफ यू जस्ट सी इन द डायग्राम, ये डायग्राम के अंदर अगर हम देखेंगे ठीक से तो ओजोन लेयर कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे उसको लिखा सकते हैं आराम से. देखो लेट अस ड्रॉ द ओजोन लेयर बाय रेड कलर एरो. रेड कलर के स्ट्रिप से हम उसको ड्रॉ करेंगे. यस, सपोज दिस इज द ओजोन लेयर.
ओके okay, ये जो एक स्ट्रिप है तो ये बीच में यहाँ पे ओजोन लेयर आ जाता है, ठीक है, विच इज जस्ट रेंजिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट अबाउट 26 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सर्फेस अप टू ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर अबाउट द अर्थ सर्फेस। तो मतलब देखो यहाँ पे ओजोन लेयर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये ओजोन लेयर हम देख सकते हैं आराम से, जो कि यहाँ से 26 किलोमीटर अबव, मतलब अभी यहाँ पे देखो 26 किलोमीटर ऊपर मतलब कितना हो गया, ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही आ गया ना वो, क्योंकि 12 किलोमीटर से तो ज्यादा है ये, तो यहाँ पे 26 किलोमीटर से वो स्टार्ट होगा और ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर मतलब जस्ट स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होने से पहले वो ओजोन लेयर वहां पे एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए देखा जाता है कि ओजोन लेयर उसके अंदर होने की वजह से ही यहाँ पे बहुत सारे जो अल्ट्रावायलेट रेज और एक्स रेज और गामा रेज जो है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और इसी की वजह से उन वहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम बना रहता है, लेकिन मेसोस्फीयर के अंदर वो रेज होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बना हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं आयनोस्फीयर, तो आयनोस्फीयर के अंदर हम देखते हैं कि देयर इज, इसका नाम जो आयनोस्फीयर है उसका रीजन ही ये है कि यहाँ के इसका जो डेंसिटी है सबसे कम है और इट्स ऑलमोस्ट वैक्यूम, बट हियर जितने भी एयर के पार्टिकल्स है, ये सपोज एक एयर का पार्टिकल है, तो होता क्या है ना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सन में से निकल के आते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब इस एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर इंसिडेंट होते हैं ना, तो उसकी वजह से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को जस्ट उड़ा के या निकाल के लेके जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है वो आयन बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया तो उसकी वजह से वो आयन बन गया। तो ये इस टाइप के आयन्स जो है वो यहाँ पे होते हैं, एयर के सॉरी पॉजिटिव आयन्स यहाँ पे हुआ करते हैं, ठीक है, बिकॉज जस्ट दिस होल बेल्ट ऑफ आयनोस्फीयर जस्ट कंटेन्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड एयर मॉलिक्यूल्स एक्चुअली। तो इसी की वजह से क्या होता है कि ये पूरा जो आयनोस्फीयर है, इस आयनोस्फीयर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली बना हुआ होता है, और इस यही रीजन है कि क्यों यहाँ पे देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड देर इन बिटवीन दिस आयनोस्फीयर एंड द अर्थ, बिकॉज अर्थ इज कंडक्टर एंड दिस आयनोस्फीयर कैन ऑल्सो बी सपोज टू बी अनदर कंडक्टर, एंड देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्थ इज सब कंसिडर्ड टू बी निगेटिव, एंड दिस इज द रीजन वाई दिस थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग टेक्स प्लेस एक्चुअली। तो ये जो बिजली कड़कता है वो उसका रीजन एक्चुअली यही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही अर्थ जो है वो नेगेटिव चार्ज बनता है, अर्थ कैन बी कंसिडर टू बी नेगेटिवली चार्ज जस्ट बिकॉज देर इज अ पॉजिटिव चार्ज बेल्ट विच इज देर एट अ 80 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, एंड दैट्स वाई देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वेन एवर द क्लाउड्स के अंदर जो चार्ज होता है वो चार्ज जो एक्स्ट्रा चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है इट जस्ट एस्केप्स टू द अर्थ by means of the just like a sparking, तो sparking के form में जो charge है वो यहाँ पे earth की तरफ escape होता है clouds में से, तो उसका जो reason है वो यही है actually, there is a positive charge belt in the ionosphere, and why the ionosphere contains positive charged particles, because these gamma rays and x rays and ultraviolet rays just incident from the sun just ionize the molecules of air in this ionosphere, and that's why there is a positive charged belt here in this ionosphere, but the density of this ionosphere is very very small, it is so small that it is almost vacuum, itna chota hai aur pressure bhi wahan pe bahut chota hai, kam hai, to jaise jaise hum upar ja rahe hain earth se dur ja rahe hain to kya ho raha hai, dekho density kam hota jata hai, pressure bhi kam hota jata hai, theek hai, aur temperature jo hai wo to variation uska irregular hai, hum dekhte hain ki jaise upar ja rahe hain to waise waise pehle to kam hota hai, फिर उसके बाद बढ़ता है और फिर वापस कम होता है, तो ये इसलिए जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है वो इरेगुलर है थोड़ा सा, बट डेंसिटी का वेरिएशन फिक्स्ड है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग स्ट्रेट अवे कंटिन्यूअसली, एंड अगेन द प्रेशर इफ यू जस्ट सी द प्रेशर ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम ट्रोपोस्फियर टू आयनोस्फियर। ओके, सो दिस इज द ब्रीफ आइडिया अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ। ओके, तो ये जो अर्थ के जो अलग अलग पार्ट्स है तो इसके बारे में हमने यहाँ पे भी देखा। Now let us see the next topic. I think time तो हो गया actually, but चलो ठीक है, just introduce करेंगे। We want to see the wireless communication.
So first of all, you have to see the ground wave propagation. Okay, ground wave propagation. Then we have to see the sky wave propagation. And then third, we have to see the space wave propagation. Okay, so these three types of propagation of wireless communication, we have to see in this lecture. Okay. Okay, so let us stop here. Okay, the remaining topics we'll just continue in the next lecture tomorrow. Okay, so thank you all of you. Bye bye.